गरियाबंद की तेल नदी पर 14 करोड़ की लागत से पुल बनने के बाद भी 36 गांव की मुसीबतें कम होती नजर आ रही हैं। बारिश के दिनों में लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 36 गांव को ब्लॉक और जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले दोनों रास्ते के बीच में पड़ने वाले नाले इसकी मुख्य वजह हैं। बारिश के दिनों में इन रास्तों पर पड़ने वाले बलाट और मुंगिया नाला के ऊपर से पानी बहने के कारण आवाजाही बंद हो जाती है। ग्रामीण जल्दी से जल्दी दोनों नालों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय नेताम ने अगले साल बारिश से पहले दोनों नाले बन जाने का आश्वासन दिया। तो वो बड़ा पुल किस काम का? कोई काम का नहीं है, बड़ा पुल बनाने को मतलब भी है क्या? पहले इसको बनाना है तो बड़ा पुल काम करेगा। पानी आ जाने से बारिश के दौरान कमर भर पानी या घुटने के भर से ऊपर होने से बहुत खतरे की स्थिति में पार करना पड़ता है या गाड़ी को उतारना पड़ता है, इससे आवागमन में बहुत कठिनाई होती है। तो 13 करोड़ का पुल बन चुका है, लेकिन यहाँ पे बिलाट नाला में मतलब एक दिन बारिश हो जाने से नाला भर जाता है और आने जाने में हमको बहुत दिक्कत होती है। उसी तौर पर संज्ञान में आया हुआ है, हम आज प्रभारी मंत्री जी का अवगत भी कराया है कि वो बेलाट नाला है और जो वो मार्ग है 15 से 16 किलोमीटर का जो मार्ग है वो बनाना अत्यंत आवश्यक है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो बजट में उसको जोड़ेंगे और बहुत जल्द स्वीकृति मिलेगी और क्षेत्रवासियों को एक बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है। खबर इंदौर से।